तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रा, आप देखा आप इन्फॉर्मेशन। दोस्तों आज इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं पबजी मोबाइल सीजन 17 के ऑफिशियल रिलीज डेट कब है, कब हमें देखने को मिलेगा सीजन 17 का नया रॉयल पास, कब एक नया सीजन स्टार्ट होगा, पूरा डिटेल में देखेंगे इस वीडियो के अंदर। उसी के साथ साथ देखेंगे इस बार कैसे हमारा टीआर रीसेट होने वाला है। तो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो ये होने वाला है, तो वीडियो अगर अच्छा लगे ज़रूर से एक लाइक कर देना। अगर आपने मेरे को अभी तक इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो फॉलो भी कर सकते हो, इंस्टा आईडी है rp_information। तो चलिए ज़्यादा ना करके आज का ये वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मेरे सेकंड चैनल के ऊपर न्यू गेम प्ले वीडियो आ चुका है, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मेरा सेकंड चैनल का लिंक आपको देखने को मिलेगा, तो ज़रूर से एक बार चेकआउट करना एंड गेम प्ले वीडियो कैसा लगा कमेंट पे ज़रूर बताना। दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं सीजन 16 कब लॉक होने वाला है। तो रॉयल पास का जो डेट मेंशन किया गया है वो है 17 तारीख को, मतलब कल ही के दिन। पर कल आरपी लॉक नहीं होगा, आरपी लॉक होगा 18 तारीख सुबह 5:30 बजे। तो उससे पहले जो भी सारे आपके काम है रॉयल पास के अंदर उसको आपको कंप्लीट कर लेना, जैसे कि मिशन कंप्लीट करना, अगर आपके अभी तक 100 आरपी नहीं हुआ है तो उसको कंप्लीट करना। एंड काफ़ी लोग मुझे को बोल रहे थे कि भाई डिस्काउंट कब आएगा, मतलब जो 100 आरपी पॉइंट्स का डिस्काउंट हमें मिलता है, तो डिस्काउंट ऑलरेडी आ चुका है। तो आपको बस शॉप के अंदर जाना है एंड आपको जाना है ट्रेजर्स के ऑप्शन में, तो यहाँ पर आपको 100 आरपी का डिस्काउंट मिल रहा है, तो यहाँ पर आप परचेस कर सकते हो। 65 यूसी देकर आपको 100 आरपी पॉइंट्स मिलेंगे, तो जितना चाहे आप उतना बाई करके यहाँ पर 100 आरपी कर सकते हो। तो अगर आपका ज़रूरत है तो आप कर सकते हो। तो ये जो सारे काम है रॉयल पास के अंदर ये आप कर सकते हो 18 तारीख सुबह 5:30 बजे तक, क्योंकि 18 तारीख सुबह 5:30 बजे के बाद रॉयल पास हो जाएगा लॉक। तो अभी हम बात करते हैं रैंक पुशर्स की। तो जो लोग रैंक पुश करना चाहते हैं उनका जो टाइमिंग है वो है 19 तारीख सुबह 5:30 बजे तक, मतलब उनके पास 17 तारीख का भी टाइम है, 18 तारीख का भी पूरा का पूरा दिन टाइम है, बस 19 तारीख सुबह 5:30 बजे से पहले उनको रैंक पुशिंग अपना ख़त्म करना है, क्योंकि 5:30 बजे से लेकर 7:30 बजे तक 19 तारीख को रहेगा फ्री टाइम। तो वो फ्री टाइम के अंदर ना ही आपका प्लस जाएगा ना ही आपका माइनस जाएगा, तो उससे पहले जो भी आपका रैंक पुशिंग है उसको आपको कर लेना है। तो अभी हम बात करते हैं कि सीजन 17 का न्यू रॉयल पास कब हमें देखने को मिलेगा। तो सीजन 17 आने वाला है 19 तारीख सुबह 7:30 बजे, तो ये कंफर्म डेट है 19 तारीख सुबह 7:30 बजे आने वाला है सीजन 17 का न्यू रॉयल पास। एंड ये मैं इंडियन टाइम सारे के सारे बताया, तो अगर आप किसी बाहर कंट्री से ये वीडियो देख रहे हो तो आप अपने कंट्री के हिसाब से टाइम जोन सेलेक्ट कर सकते हो एंड चेक कर सकते हो गूगल के अंदर इंडिया का टाइम इनटू आपके कंट्री का टाइम, तो आपको पूरा डिटेल में पता लग जाएगा। बाकी जो इंडियन टाइमिंग है वो मैंने आपको क्लियरली समझा दिया। तो 19 तारीख आने वाला है हमारा न्यू रॉयल पास सीजन 17 का। एंड अगर आपने रॉयल पास लीक्स के ऊपर मेरे दो वीडियोस नहीं देखे, एक तो टीयर रिवॉर्ड के लीक्स एंड एक तो 1 to 100 कन्फर्म लीक्स, तो उन दो वीडियोस का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे दूंगा, अब ज़रूर से एक बार चेकआउट कर लेना। दोस्तों अभी हम देख लेते हैं सीजन 17 के अंदर टीयर रिसेट कैसे होने वाला है, मतलब सीजन 16 के अंदर आप कौन से टीयर के अंदर है एंड सीजन 17 के अंदर आप कौन से टीयर में जाने वाले हो। सबसे पहले बात करते हैं जो लोग ब्रोंज के अंदर है वो लोग ब्रोंज पे ही रहेंगे, एंड जितना मुझे लगता है अभी कोई तो ब्रोंज पे नहीं रहेगा क्योंकि सीजन एंड होने वाला है, तो तब भी काम है मेरा बता दिया मैंने। उसके बाद आता है सिल्वर, तो जो लोग सिल्वर के अंदर है सिल्वर 1 से लेकर 5 वो लोग सिल्वर 1 से लेकर 5 में ही रहेंगे, तो आई थिंक सिल्वर में भी कोई नहीं होगा। देन आता है गोल्ड लीक, तो जो लोग गोल्ड 2, 3, 4 एंड 5 में है वो लोग गोल्ड 5 में चले जाएंगे, उनका टीयर फॉल होकर गोल्ड 5 में आ जाएगा। देन आता है गोल्ड 1, प्लैटिनम 5, प्लैटिनम 4 में भी जो लोग हैं वो भी गोल्ड 4 के अंदर आ जाएंगे, उनका टीयर फॉल होकर गोल्ड 4 तक आ जाएगा। देन आता है प्लैटिनम 1, प्लैटिनम 2, प्लैटिनम 3, तो जो लोग प्लैटिनम 1, 2, 3 में है वो लोग गोल्ड 3 में आ जाएंगे टीयर फॉल होकर सीजन 17 के अंदर। देन आता है डायमंड लॉबी, तो डायमंड 3, 4, 5 में जो लोग हैं वो लोग टीयर फॉल होकर आ जाएंगे गोल्ड 2 के अंदर। देन आता है डायमंड 1 एंड 2, तो जो लोग डायमंड 1 एंड 2 में सीजन 16 को एंड करेंगे वो लोग आ जाएंगे गोल्ड 1 के अंदर। एंड ये जो थोड़ा ग्लिच है इस इमेज के अंदर, ये क्राउन है बेसिकली, तो जो लोग क्राउन 4 एंड 5 में है वो लोग आ जाएंगे प्लैटिनम 5 के अंदर। उसके बाद आता है क्राउन 2 एंड 3, तो जो लोग है वो लोग आ जाएंगे प्लैटिनम 4 के अंदर। देन आता है क्राउन 1 में जो प्लेयर्स है वो लोग आ जाएंगे प्लैटिनम 3 के अंदर। देन आता है एस लॉबी, तो अभी बहुत सारे लोग एस में पहुंच चुके होंगे, तो जो लोग S1 से लेकर 6 स्टार के अंदर है वो लोग आ जाएंगे प्लैटिनम 2 के अंदर। एंड अभी हम बात करते हैं हायर टीयर की, जो लोग S6 स्टार से ऊपर है एंड जो लोग कॉन्करर प्लेयर्स है वो लोग आ जाएंगे प्लैटिनम 1 के अंदर। तो मैं इस बार कॉन्करर पुश दिया था, तो इस बार का जो सीज़न है वो मैं एंड करूँगा प्लैटिनम 1 के अंदर। तो आप कौन से टीयर के अंदर सीजन 16 में एंट्री करने वाले हो कमेंट पे ज़रूर बताना।
एंड यहाँ पर ही मैं काफ़ी लोगों का आपका डाउट क्लियर करना चाहता हूँ, क्योंकि आप में से काफ़ी सारे लोगों के मन में ये सवाल रहेगा कि अगर मैं एस टू स्टार में चला गया, एस में चला गया, देन मैं फिर से क्राउन में आ जाता हूँ, तो इस सीज़न के एंड में मुझे कौन से टीयर का रिवॉर्ड मिलेगा एंड नेक्स्ट सीज़न में कौन से टीयर से स्टार्ट करूँगा। तो एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं बताता हूँ कि अगर आप एस वन स्टार में चले जाते हो, देन आप फिर से क्राउन वन पर आ जाते हो, तो इस सीज़न को आप एंड करोगे एस वन स्टार के अंदर ही। बस आपको रिवॉर्ड कलेक्ट करना है, मतलब एस वन स्टार के अंदर जाने के बाद जो 5 मैचेस खेलने के बाद जो पैरासूट का स्किन है उसको अगर आप कलेक्ट कर लिए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, इस सीजन को आप एंड करोगे एस वन स्टार के अंदर ही। एंड जो नेक्स्ट सीजन का रिवॉर्ड मिलेगा वो एस का ही मिलेगा। एंड जैसे मैंने रैंकिंग दिखाया, मतलब जो टीयर रिसेट दिखाया, उस हिसाब से आपका टीयर रहेगा नेक्स्ट सीजन के अंदर। तो इस बार जैसे कि मैं कॉन्करर गया था, अभी मैं कॉन्करर से नीचे आ गया हूँ क्योंकि मैं अभी नहीं खेल रहा हूँ, मेरा रैंकिंग देख पा रहा हूँ 1300 चल रहा है एंड अभी मैं हूँ एस थ्री स्टार में, तो थोड़ा बहुत माइनस भी खाया था मैं। तो नेक्स्ट सीजन जब स्टार्ट होगा मुझे कॉन्करर का ही रिवॉर्ड मिलेगा एंड मैं प्लैटिनम वन पे ही आ जाऊंगा, क्योंकि मैं इस बार कॉन्करर पुश दिया था, मेरा हायर टीयर इस सीजन के अंदर कॉन्करर है, तो इस हिसाब से होगा। तो आई थिंक कि मैं जो आपका डाउट है उसको क्लियर कर दिया। तो यही था आज का वीडियो, सारे के सारे डिटेल में मैंने बता दिया कब सीजन 17 आने वाला है एंड इस बार का टीयर रिसेट कैसे होने वाला है। तो वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताना, वीडियो अगर अच्छा लगा है एक लाइक ज़रूर करना, लाइक के साथ साथ वीडियो को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करना। एंड अगर आप पहली बार आए हो हमारे चैनल के अंदर तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको क्लिक करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करना, ऑल नोटिफिकेशन ज़रूर ऑन करना ताकि मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूँ आपके सामने नोटिफिकेशन आ जाए। तो चलिए फिर मात होगा एक नया वीडियो के साथ, तो चलते हैं, हैव अ नाइस डे।